कल्पा वृक्षा सॉलिड वुड फर्नीचर स्टोर जो कि मॉडल टाउन रोड ऑपोजिट छाबड़ा हॉस्पिटल नियर बस स्टैंड लुधियाना में स्थित है। कल्पा वृक्षा सॉलिड वुड फर्नीचर स्टोर आज के टाइम में एक ब्रांड बन चुका है जो कि अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से फैसिलिटीज दे रहा है। यहाँ पर बेड, सोफास, बार्स, डाइनिंग टेबल और अलग अलग तरीके की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ का सारा फर्नीचर बहुत ही बढ़िया और वाजिब रेटों पर उपलब्ध है। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने कल्पा वृक्षा सॉलिड वुड फर्नीचर स्टोर का विशेष दौरा किया। आओ नजर मारते हैं इसकी झलकियों पर। लगा आपको कलेक्शन कैसी लगी? देखो मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, मुझे कलेक्शन इनकी बहुत अच्छी लगी है। तो उम्मीद है कि इनका जो कलेक्शन वाइज है ना लुधियाना से थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्नीचर वाइज में जो इनकी पॉलिश है या उसकी कार्विंग वगैरह है बहुत अच्छी है। मिड सेगमेंट के लिए हम लोग करना आया है। अच्छा, तो यानी कि आपके पास इंडोनेशिया से है, थोड़ा इंडियन भी है, मतलब इंडोनेशियन। बेसिकली 90% ऑफ आवर फर्नीचर इज इंडोनेशियन फर्नीचर व्हिच इज इंपोर्टेड एंड 10% इज द शीशम फर्नीचर दैट टू फ्रॉम राजस्थान। दैट टू फ्रॉम राजस्थान, वेरी लिमिटेड फर्नीचर, सेलेक्टिव फर्नीचर वी गेट इट फ्रॉम राजस्थान एंड रेस्ट ऑल इंपोर्टेड। क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर एज वेल एज द प्राइस। और अगर प्रोडक्ट रेंज की इसे डिटेल में बात करें, एक क्विक आपसे जानना चाहूँगा, लाइक बेड्स हैं, सोफास, कंसोल, इसकी लिस्ट देखें तो इसमें क्या क्या है? वी हैव एंटायर फर्नीचर फॉर ए होम, लाइक वी हैव बेड्स, वी हैव सोफास, वी हैव डाइनिंग टेबल्स, वी हैव टू सीटर्स, फोर सीटर्स इन वुडन, दिस वी हैव सेट्स फॉर द लॉबी, वी हैव फर्नीचर फॉर द रेस्टोरेंट, वी हैव फर्नीचर फॉर ए बार एंड वी हैव बार्स ऑल्सो एंड वी हैव हैंडीक्राफ्ट्स, we have decorative pieces, lobby pieces. See, generally we have covered entire almost everything in a house what you require. Right. Even we have resin furniture also we have. Achha. Resin all. Resin, we resin are, dining tables okay. And resin vintage ka jo slabs hai, we also that things also we will provide that things also. Punjab Plus channel mein aapka swagat hai. Aaj hum aaye hain ek aise showroom mein jo creation hai उस लेडी जिसके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं और उसने अपने मेंटल क्रिएशन के साथ इस सारे स्टूडियो को, इस सारे फर्नीचर के शोरूम को उन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है और हम देख सकते हैं कि नई नई चीज़ें जो हम कहीं भी नहीं देख सकते वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। मैडम आपका स्वागत है हमारे इस मैसेज शोरूम। मैडम आज की जो महिलाएं हैं, पहले हम लोग बात उसी चीज़ को करेंगे कि जब हस्बैंड ऑफिसर होते हैं तो वो लोग डिप्रेशन में और अपने आप को अकेलापन महसूस, लेकिन आपने जिस तरह से ये क्रिएशन की है और कितने लोगों को आप यहाँ रोज़गार दे रहे हैं और अपनी लाइफ को और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो भी महिलाएँ हैं उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको अटैक करना चाहिए? जैसे हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा शोरूम, इतनी बढ़िया बढ़िया क्रिएशंस, क्या कहना चाहिए? इसमें तो मेरा कुछ खासियत कुछ भी नहीं है, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, पहले भी थी, अभी भी हूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ किसी को कुछ मैं बोल सकूँ मोटिवेशन हूँ ऐसा कुछ मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ, क्योंकि लेडीज़ को जनरली आफ्टर 30 या बच्चे होने के बाद पोस्ट डिलीवरी के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है और बच्चे में भी कुछ टाइम तक बिजी होते हैं, हस्बैंड एस्पेस बिजी होते ही हैं, तो लेडीज़ को इसलिए अकेलेपन होता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब तक तो लेडीज़ बिजी होते हैं बच्चे के साथ, बच्चे इंडिपेंडेंट बने बने करके सोचते हैं हर मदर, जब इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो बच्चे को तो मदर की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और हस्बैंड एज चीज ऑफिस का इस चीज़ में वो बिजी रहेंगे, तो लेडी घर में खाना बना के फिर वेट करती रहेगी, तो उनमें क्या होता है कभी ना कभी एक मोड़ पे ऐसा आता है हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ दिन भर खाना बना रहे हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फीलिंग आ ही जाता है, तो इसी वजह से अकेलेपन से फिर उनको फीलिंग्स हो गया है एंड मेंटली भी ये होता है क्योंकि फिजिकली भी थोड़ा सा तो वीक हो ही जाती है लेडीज़ आफ्टर डिलीवरी, देन मेंटली भी ये हो जाता है, अकेलापन इसलिए फील होता है
उनका जो रूटीन काम से थोड़ा सा हटके पहले बिजी रह के एकदम फ्री हो जाना लेडीज़ के लिए थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि फील करते हैं मतलब अकेलापन, डिप्रेशन, दिस ऑल थिंग्स. वो मेरे साथ भी होता था, सारे लेडीज़ के लिए मुझे लगता है ये 99% लेडीज़ के साथ तो ये नॉर्मल चीज़ है. इसमें कोई मुझे नहीं लगता है ये कोई बड़ा डिसीज़ है, ऐसा कुछ नहीं. बट ये है कि हम उस चीज़ से बाहर आने के लिए हम अपने आप को कुछ ना कुछ चीज़ में ऑक्यूपाई करके हमारा आइडेंटिटी खुद ही बनाना चाहे थोड़ा सा. हम भी हम जो कर सकते हैं, मुझे लगता है हर एक लेडी में कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, हर एक लेडी कुछ ना कुछ कर सकती है. तो मुझे ये लगता है वो लोग बाहर आके थोड़ा सा करेंगे तो उसमें क्या होता है वो लेडी को भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहेगी, फिर उनको लगता है थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस समय आके घर में आके बच्चों को देख लिया, हस्बैंड को देख लिया, तो वो लाइफ फुलफिलमेंट लगता है. तो मुझे लगा मैं ये शोरूम यहाँ ऐसा चीज़ें लेके आऊँगी यहाँ जो नहीं मिलता है लोगों को, थोड़ा सा मैं वो फैसिलिटी भी मैं दे सकूँ और मेरे लिए भी खुद के लिए मैं एंगेज हो सकूँ. तो मेन बेसिकली मैं भी खुद एंगेज होने के लिए ही कर रही हूँ. बस देखते गॉड का ब्लेसिंग्स एंड आप लोगों का सभी का कोऑपरेशन के साथ मेरा इतना अच्छा आगे जाएगा पता नहीं, देखना पड़ेगा. मैडम अगर हम बात करें कि ये सारी फर्नीचर मार्केट है लेकिन एक यूनिक था, एक अलग तरह की पहचान, जैसे आपने बोला कि मैंने पहले शोरूम विजिट किए और वो आपने यहाँ पर लेकर आए हैं लुधियाना में. हम देख सकते हैं कि हर चीज़ में क्रिएशन, क्योंकि आजकल के यंग ब्लडेड है वही पुराना सोफ़ा, वही पुराना बेड, वही पुराने स्टाइल, वो इन चीज़ों से उब गए हैं लोग. और वो आपने एक अपने दिमाग में सोच कर उन चीज़ों को चेंज करके हर चीज़ में आपने कोई ना कोई नई जो चीज़ यहाँ पर की है. और हम देख सकते हैं कि वही फर्नीचर जो हम लोग देखते हैं हर जगह, वही सोफे होते हैं, वही बेड्स होते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनमें कोई एक नई चीज़ें जो साथ छोड़ी है. क्या हम समझे ये इंटरनेट का कमाल है, क्या हम समझे कि आपकी क्रिएशन है, किस तरह से आपने, जैसे आपने हम समझे कि आप एक कामयाब महिला हैं, पहले आपने बुटीक में अपनी पारी जो बड़ी अकेली है, तो हम क्या समझे इसमें? मैं इसमें कुछ खास कुछ बात नहीं है. मुझे ये कि बिज़नेस जो होता है, मैं जनरली ये बिज़नेस भी जो कर रही हूँ फर्नीचर, ये आकर एक बिज़नेस के लिए एक पैसे के लिए कर रहे हैं तो बात अलग होता था. मैं भी सभी के जैसा मैं भी ऐसे ही बेड्स चल रहे हैं तो वही चलाना है, वही डाइनिंग टेबल्स रखना है, वही सोफा सेट्स रखना है, वो सारे सोच सकती थी. बट अभी मुझे ये लगा है मुझे मैं पैशन के साथ करना, मैं गुड लवर हूँ तो मुझे लगा मैं उसके अकॉर्डिंगली मेरे पैशन को मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ. जस्ट इतना ही है और कुछ भी नहीं, तो पैशन और एक हॉबी के जैसे मैं कर रही हूँ तो उसमें तो आपको पता है हर चीज़ में हमारा पर्सनल टच तो रहेगा. बट ये नहीं कि हम इसमें पर्सनल टच मतलब हम कुछ भी क्रिएट नहीं करते, बट डिज़ाइन देके कुछ बनवाते हैं. कुछ कुछ डिज़ाइन ऐसे ही बना होता है. हम थोड़ा सा ये है कि नेट गूगल तो इतना आजकल तो इतना हेल्पफुल हो गया है सभी के लिए, कुछ अलग से चीज़ें हम लोग गूगल पे देखते हैं मगर लाइव देखने के लिए जाएंगे तो वो नहीं मिलता है. तो मेरा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो सारी चीज़ें जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, पिनिंग में सब कुछ में मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लेके आ जाऊँ और ये सारी चीज़ें सभी को मैं दिखाने के लिए भी रखूँ और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी रखूँ करके मैंने कोशिश करी हूँ. बट थैंक गॉड थैंकफुली वो सक्सेस हो गई हूँ. अभी और भी नया चीज़ें लेके आने वाली हूँ, देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा. पर मगर हम लुधियाना की बात करें, चाहे कोई भी कॉलेज वाले इस चैनल के माध्यम से या आसपास के कॉलेज बारे, स्कूल बारे देख रहे हैं, तो आप स्कूल कॉलेज के लिए क्या नया आपके माइंड में था और आपने यहाँ क्या क्रिएशन उनके लिए, क्योंकि वही ऑफिस, वही स्टाफ, वही टेबल्स, उसमें क्या क्रिएशन लेकर आया था? टेबल्स में तो अभी देख लीजिए मेरा तो मैं अभी शुरुआत करी हूँ तो मैं अभी तक इतना दूर तक नहीं सोची हूँ ऑफिस और स्कूल टेबल्स इतना. मैं कोई डिज़ाइनर भी नहीं हूँ, मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ मैं एक कस्टमर. मुझे जो अच्छा डिज़ाइन लगता है वो ऑर्डर देके कस्टमाइज करवा के इंडोनेशिया से मैं पूरा उसमें गुड का क्वालिटी भी मेंटेन करना है करके देख के वो बनवा के लेके आ, बस इतना ही है. अभी ये शुरुआत है, नेक्स्ट स्टेप में मे भी मैं सोचूंगी बच्चों के लिए भी कुछ अलग से लेके आऊँ और कॉलेज वालों के लिए भी अलग से कुछ करूँ. हाँ मैं ज़रूर ये कर सकती हूँ, मेरे पास अभी जो आपने देखा होगा रेजिन टेबल्स, तो रेजिन टेबल्स तो अभी आजकल बहुत इन है तो मैं वो टेबल्स लेके आई हूँ ऑफिस का यूज़ के लिए. यदि कोई यूज़ करना चाहे तो उसके लिए ये भी है रेजिन आर्ट का हम करवा के रखा है, एपॉक्सी रेजिन, वो देख सकते हैं थोड़ा सा हटके रहेगा. और ये सब लोगों को भी समझ की बात है क्योंकि एपॉक्सी रेजिन क्या है करके मैं न्यू थिंग कुछ नहीं इंट्रोड्यूस करी हूँ, पहले भी चल रहा था बट ऑफिस के लिए भी मैं लेके आई हूँ वो सारी चीज़ें.
मैम, जैसे हमने आपका बेड देखा और जिसके आसपास नेट लग जाती है, ये भी एक क्रिएशन लग रही है, क्योंकि ये हमने लुधियाना में तो मेरा ख्याल है कि किसी का ये कंसेप्ट नहीं है। ये टैंक ऐसे कि उसके ऊपर ही नेट लग जाती है और एक नई सी चीज़, क्योंकि हर इंसान आज का जो इंसान है उसकी माइंड सेटअप ऐसा बना हुआ है कि वो नई चीज़ों की तरफ दौड़ रहा है, उसका माइंड सेटअप है जो उग चुका है, क्योंकि मोबाइलों के ऊपर हम सारा दिन जो चीज़ें देख देख कर, तो कोई ना कोई वो एक क्रिएशन आपने वो बेड में हम की है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो बेड जो आप जो जिस बेड के बारे में बात करते हैं उसमें मेरा कुछ क्रिएशन नहीं, एक्चुअली देखे गए तो ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराने ज़माने में यही ऐसे ही बेड बनता था पोस्टर बेड्स करके, तो उसमें क्या है जनरली मच्छरदानी डालने के लिए, नेट डालने के लिए बहुत ईजी से डाल सकते थे। अभी क्या हुआ, वे सारे चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पैशन के लिए चाहे करके हम लोग वो सारे पिलर्स हटा के नॉर्मल बेड और क्यूज बेड्स बना रहे हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मस्किटोज को आप कितना भी इलाज करो मस्किटोज को प्रॉब्लम तो चल ही रहा है, तो फिर रोज़ जो भी बेड पे रहते हैं उनके लिए लगता है हम तो मच्छरदानी के लिए गुड नाइट ऑन कर लो, ये करो वो करो, कुछ ना कुछ कर रहे हैं मगर कहीं से भी मच्छर का कोई भी हल नहीं है। तो लास्ट में फाइनली हम लोग मस्किटो नेट तो बनाते ही डालते ही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आप मुझे बताइए, चारों तरफ के पिलर्स जैसे डंडे लगा के उसके साथ करते हैं। इतना ब्यूटीफुल बेड को ऐसा ख़राब करने से अच्छा हम वो ब्यूटीफुली जो पहले ज़माने में जो होता था हम वैसे ही रिसीव करें। मुझे लगता है पुराना ज़माने में जितना भी जो चीज़ें बना है मैं कुछ क्रिएट नहीं करी हूँ, उनमें कुछ ना कुछ बात है इसीलिए वो लोग ऐसा बना के रखा है, तो वो चीज़ मैं वापस लेके आई हूँ ताकि ये यूज़फुल रहे लोगों के लिए और ये मस्किटो नेट के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे, यदि थोड़ा सा भी कोई भी सोना रहे तो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे थोड़ा सा नेट के साथ ना, तो अलग ही एक प्राइवेसी रहता है, तो ये चीज़ के लिए हम करवाए हैं। आप उसमें कोई समझौता नहीं करते और हमेशा उस तरह की वुड आप चूज़ करते हैं जिसमें बहुत बढ़िया और जब तक बंदे की जिंदगी है तब तक वो साफ कर सके, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही सोचती हूँ एक्चुअली जो भी वुड यूज़ करना है वो वुड में ऐसा होना चाहिए आपके साथ साथ, हमारे टाइम में आप कभी कभी सुना होगा अभी भी चलता है, हमारे पापा ने जो खरीदा है वो बेड अभी भी चल रहा है, उनके टाइम का जो डाइनिंग टेबल्स है अभी भी चल रहा है, इतना स्ट्रांग है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी इस जनरेशन में प्रॉब्लम क्या हो गया है, हमें रोज़ लेटेस्ट कुछ ना कुछ चाहिए, तो अलग से कुछ चाहिए करके जो दिख गया वो खरीद लिया, उसके बाद एक दो साल में फिर वो चेंज में आ गए थे, सारे प्लाई और बोर्ड पे ही चलता है ज़्यादातर, तो ठीक है उसका भी वो भी उसका चार्म भी अलग है, उसका टेस्ट किसी किसी को पसंद आता है। बट मैं एज ए वुड लवर मैं जनरली टीक वुड का प्रेफर करती हूँ, महागनी प्रेफर करती हूँ और शीशम जो ताली जो बोलते हैं वो प्रेफर करती हूँ। ये तीनों वुड बहुत ही अच्छा है, उसमें मैं कस्टमर को भी यही वुड में देना चाहती हूँ, मैं उसके लिए भी वो पूरा सीजनिंग करके जो भी एक एक वुड में हम लोग ऐसे चूज़ करते हैं वेल सीजन एंड वेलिटेड वुड को लेके आपको उससे हम बताते हैं ताकि लोगों को वो काफ़ी साल तक वो चल सके उनके साथ, जैसा वो लोग उनका बच्चे भी ऐसे बोलना चाहे हमारे पापा के टाइम का जो खरीदा हुआ ये चीज़ें अभी भी चल रहा है, वो ट्रेंड हम वापस लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैडम, क्या आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को मैसेज रहेगा, क्योंकि आप वुड के लवर हो और इस फील्ड में हो, दूर दूर तक बैठे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, क्या मैसेज रहेगा कि हर बंदे ने घर पे हर चीज़ लेनी है, चाहे वो सोफ़ा है चाहे वो बेड्स हैं चाहे वो टेबल्स हैं, हर चीज़ हर इंसान ने लेनी है, तो उनको आपकी राय क्या है, क्या आप उनको क्या हमारे दर्शकों को देखने को गाइड क्या करना चाहेंगे? मैं ये चीज़ मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि इसमें क्या है सभी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो किसी को मॉडर्न पसंद आता है कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस, किसी को ट्रेडिशनल क्लासिकल डिज़ाइंस पसंद आता है, वो अपना अपना चॉइस है। तो मैं ये बताती हूँ सभी के लिए भी जो भी है आपका चॉइस के अकॉर्डिंगली आप रहे, बट इतना है कि जो ले रहे हैं एटलीस्ट आपका घर में 5 से 10 साल तो एटलीस्ट मिनिमम चल सके, वो क्वालिटी पे आप लोग कर लीजिए, इतना पैसा जब खर्च कर रहे हैं सोच समझ के खर्च करें, मैं यही बात बताना चाहती हूँ। बाकी तो टेस्ट तो अपना अपना है, उसमें मैं किसी को कुछ इंसिस्ट नहीं कर सकती हूँ, यही लेना चाहे वो नहीं लेना चाहे वो गलत है करके, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, इतना अच्छा सा कोटिया बन रहा है यहाँ, तो वाई नॉट उसमें वो फर्नीचर भी रखना चाहिए,
अभी मैं आगे हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ वो गलत है ये अच्छा है कहते वो मुझे खुद को भी अच्छा लगता है सच बताया जाए तो वो सारे फर्नीचर मुझे भी अच्छा लगता है कॉन्टेम्प्रेरी डिजाइन हो गया है कुशन वाला हो गया प्लाई वाला हो ईच एंड एवरी थिंग मैं एंजॉय करती हूँ मैं पर्सनली मैं एज ए वुड लवर मैं हर साइड हर डिज़ाइन पसंद करती हूँ But you mean to say that we should keep in mind see the quality of the wood should be in kept in our mind. Yes, वो जो quality हम use कर रहे हैं at least थोड़ा सा at least अभी लेके आए हो आपको दो तीन साल में अब change करने लगे तब तो आप इतना पैसा बर्बाद करना मुझे नहीं लगता जिसके पास पैसा है तो मे भी शायद बट ये है कि at least आपके साथ ना हर चीज़ आइटम रहे आपको बच्चों को भी पता चले आपने टेस्टफुल्ली घर को डेकोरेट किया है मेरे पापा के घर में ये होता था वो लोग कहानी हम लोग नहीं बोलते हमारे घर में ये होता था पुराना रेडियो ऐसा होता था इस मॉडल में ऐसा ही हम भी बोलना हम उनका हमारे बच्चे भी बोलना चाहे हाँ हमारे घर में ऐसे सोफ़ा होता था ऐसे बेड होता था ये सारी चीज़ें अभी तो वो वाला चीज़ बोलने के लिए बच्चे के पास मेमोरीज भी नहीं है मेरे ख्याल से क्योंकि एवरी फाइव ईयर्स एवरी थ्री ईयर्स हम लोग चेंज करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ वुड की फैशन मतलब ट्रेंड चेंज कर मतलब फर्नीचर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आने लगा है लोगों को आजकल तो गूगल की वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिल रहा है डिज़ाइंस भी मिल रहा है लोग सब लोग अलग अलग तरह से अच्छा सा बना रहे हैं तो उसमें यह है कि मैं यही चीज़ संदेश देना चाहती हूँ जो भी ले रहे हैं सोच समझ के ले लीजिए एटलीस्ट 5-6 लेकिन 10 साल तो आपके घर में रहे आपके साथ यही है थैंक यू मैडम आज आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से जिस तरह से कि आप क्रिएटिव वुमेन हैं हम चाहेंगे कि ऐसी लेडीज़ और जो क्रिएशंस आपने फ्यूचर में की हैं ऐसी क्रिएटिव जो माइंड सेटअप है हमारे साथ हमारे चैनल के साथ लोग जुड़े रहें आज आपने हमें समय दिया शिवरात्रि का पवित्र दिहाड़ा था उस त्यौहार के दिन भी आपने हमें समय दिया आपने यू हैव टू गो टू टेम्पल और आप बिल्कुल सुबह से कुछ खाया नहीं आपने उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल्सो मतलब आपको मैंने वेट कर पाई हूँ सॉरी मैं टेम्पल जाना था उस चक्कर में मैं थोड़ा सा ये करी हूँ थैंक यू सो मच